हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पंडुचेरी, दमन व दीव, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली जैसे केंद्र शासित राज्यों के बाद आप दिल्ली में भी एमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, जिसे इंग्लिश में ERSS भी बोला जाता है, लागू कर दिया गया है। इसके अलावा देश के कई अन्य राज्यों में भी यह लागू है। ERSS लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। यहाँ नवंबर 2018 में इसे शुरू किया गया था। दोस्तों, नंबर 112 इसी से जुड़ा हुआ है, जो देश के हर निवासी के लिए याद रखना जरूरी है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कि 112 नंबर क्या है, ये नंबर याद रखना क्यों ज़रूरी है, इसकी शुरुआत कैसे और क्यों हुई, इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको आगे बता रहे हैं दोस्तों। मगर आगे बढ़ने से पहले, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको ऐसी वीडियो सबसे पहले और टाइम टू टाइम मिल सकें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले मैं बताता हूँ कि यह क्या है 112। 112 एक एमरजेंसी नंबर है, जिसे अमरीका के 911 के तर्ज पर शुरू किया गया है। इसे भारत में ERSS के तहत लॉन्च किया गया है। दिल्ली में इसकी शुरुआत करते हुए दिल्ली पुलिस के DCP ऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन SK सिंह ने कहा कि कई सारे इमरजेंसी नंबर याद रखना मुश्किल होता है, खासकर तब जब आप एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से दूसरी जगह सफ़र कर रहे हों। यह नंबर लोगों की परेशानी कम करेगा। गौरतलब है कि देश में पुलिस, स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवाओं से लेकर महिला व चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर तक अलग अलग हैं। ये सारे नंबर हर किसी के लिए हर वक्त याद रखना मुश्किल है। इसका उपाय 112 है। आप इस एक नंबर से ये सभी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसे नेशनल इमरजेंसी नंबर भी कहा जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 112 नंबर कैसे काम करता है और कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल देश में पुलिस के लिए 100, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 108, अग्निशमन सेवाओं के लिए 101, महिला हेल्पलाइन के लिए 1091 और 181, चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए 1098 नंबर है। इन सभी को 112 के अंतर्गत लाया गया है, यानी 112 डायल कर आप किसी भी इमरजेंसी सेवा का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए 112 इंडिया ऐप भी लॉन्च किया गया है। इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड कर आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसके जरिए भी आप किसी तरह की आपातकालीन परिस्थिति में मदद ले सकते हैं। दोस्तों, इसका इजी और साफ साफ लैंग्वेज में ये मतलब है कि जो पहले ये 100, 101, 102, 1091 ये नंबर होते थे, अब आपको उनको अलग अलग याद करने या डायल करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल 112 नंबर याद रखें, और 112 पर ही आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो केवल 112 नंबर पर ही आपको मिल जाएगी। आपको और कोई नंबर डायल करने की या याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि इस नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी और कब से इसका फैसला किया गया कि यह नंबर चाहिए। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यह नंबर 112 2012 के निर्भया मामले से जुड़ा हुआ है। नंबर 112 साल 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया मामला से जुड़ा है। उस घटना के बाद ही ERSS सिस्टम शुरू करने का फैसला लिया गया था। इस संबंध में गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर बताया गया है कि ERSS दिसंबर 2012 में हुई निर्भया की दुखद घटना के संदर्भ में जस्टिस वर्मा कमेटी की कई सिफारिशों में से एक है। इसके तहत इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS के राष्ट्रीय प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए 321.69 करोड़ रुपये का बजट भी आवंटित किया जा चुका है, ताकि देश भर में एक इमरजेंसी नंबर 112 को हर तरह के आपातकाल के लिए लागू किया जा सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको नंबर 112 से जुड़ी हर जानकारी आपको मिल गई होगी और आप अच्छे से समझ गए होंगे कि 112 नंबर क्या है। दोस्तों, आपको साफ साफ बता दूँ कि अब दिल्ली में हर प्रकार के इमरजेंसी का नंबर 112 है। 100, 101, 102 भूल जाइए। दोस्तों, हालांकि कुछ टाइम के लिए जो पुराने नंबर हैं, जैसे 101, 100, 102, 1098, 181, ये नंबर
कुछ टाइम के लिए एक्टिवेट जरूर रहेंगे, क्योंकि अभी सभी लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि 112 दिल्ली में लॉन्च किया जा चुका है। तो दोस्तों आप 112 को रट लीजिए और 112 को ही अपने माइंड में रखिए। ये एक छोटा सा और इजी नंबर है, कोई ऐसे आपको स्पेशली लिख के या याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बार हल्का सा ध्यान रखोगे तो आपके माइंड में फिट हो जाएगा, जैसे आपके माइंड में 100 नंबर फिट था, तो ऐसे ही अब आप 112 कर लें। आपको इसी में सारी बाकी जो नंबर्स हैं इमरजेंसी नंबर, उनकी सुविधा इसी नंबर में मिलेगी, तो आप 112 को याद कर लें और आप बाकी सभी नंबर भूल जाएं, और वह नंबर धीरे धीरे इनएक्टिव भी हो जाएंगे, लेकिन वह कुछ टाइम के बाद इनएक्टिव होंगे। तो जब तक आप 112 को याद कर लें। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव सब जगह इसे शेयर कर दें, ताकि सभी को इस प्रकार की इंपॉर्टेंट नॉलेज प्राप्त हो सके। और आप अपना कमेंट बॉक्स में इससे रिलेटेड या कोई अपना सजेशन भी दे सकते हैं या मुझसे कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद दोस्तों।